चश्मा खोलो 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 खोल के देखो फॉसिल फॉसिल अरे वाह जो आपने उस दिन देखी थी वो क्या थी और इस चटनी के साथ क्या बात है क्या बात है हल्दीराम का गाइस स्किन भी अच्छा है बहुत देखो फाइनल आउट होना जरूरी है राधे राधे आप लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और आज है बहुत स्पेशल डे तो आज होने वाला है बहुत तगड़ा वाला धमाका तो ब्लॉग में बने रहना बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होने और यहाँ है पांडे जी तो हैप्पी एनिवर्सरी पांडे जी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको धूल मिट्टी लगी है नहीं धो के लाई हूँ वो अंदर घुसी उसी रही होगी चोपी होगी चोपी तो आप तो तुम्हारे लिए मैं बहुत सारा गिफ्ट लाई हूँ ला रही हूँ रुको जरा सबर करो सबर करो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा मतलब गिफ्ट का नाम सुने तब आवाज निकली तुम्हारी हा? और भैया यहाँ नहा के बैठा है वेट कर रहा है तो गाइस आज 18 साल हो गए पाड़े जी को मुझे झेलते हुए तो पाड़े जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऐसे दुनिया झेले तो अच्छी बात है वेरी गुड पता नहीं ये पापा का जो गिफ्ट हमने रखा हुआ है इसमें थैले में गई थी देखो ये वाला जो थैला है गई थी हमने निकाल के यहाँ छुपा दिया था और गई इसमें क्या है हमने पिछले वाले ब्लॉग में दिखा रखा है तो जाके अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो गई और बहुत ज़्यादा तगड़े पापा को सरप्राइज मिलने वाला है मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पापा बाहर बैठे हैं फोन पर बात कर रहे हैं फोन पर बात पापा खत्म होने फिर आएगा मज़ा राजा रानी दोनों के दोनों यहाँ पे पधार चुके हैं गाइस गिफ्ट गिविंग सेरेमनी के लिए तो भाई यहाँ पे देखो पहला गिफ्ट मैं मम्मी को निकाल के देता हूँ मैं दूंगी चल अब मैं निकाल के दे रहा हूँ तो गाइस ये रहा गाइस पहला गिफ्ट क्या बात है गाइस क्या बात है पापा अनबॉक्सिंग करो लाइव यहाँ पे अनबॉक्सिंग करो देखो क्या आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें एक सेकंड एक सेकंड क्या होता है क्या फोन जैसा लगता है फोन नहीं फोन इसमें नहीं होगा ज्यादा खुश मत हो घड़ी नहीं घर काम घड़ी तो मॉल में मिलती है मॉल कहाँ जाएंगे चश्मा खोलो 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 खोल के देखो क्या है ये देखो यहाँ से उल्टा मोड़ो उल्टा मोड़ो आप खोलो देखो अब इसमें क्या है तो गाइस ये है सनग्लासेस गाइस हटके सनग्लासेस हटके गाइस पापा का लुक देख रहे हो क्या बात है जॉन जैकब्स के चश्मे भाई साहब मम्मी की तरफ से गिफ्ट है जान लो ये देख रहे हो ब्रांड देखो ब्रांड जॉन जैकब और ये देखो ये भी आपको मिला है मॉल से हाँ मॉल से अरे मॉल गए थे तुम लोग नहीं मॉल मॉल गए थे अभी आज का व्लॉग देखना बाबा आप शॉक हो जाओगे ये नेक्स्ट और लास्ट गिफ्ट है ये लास्ट है अरे वाह क्या बात है पानी जी को ओके देखो यहाँ पे रील बना रही है अनबॉक्सिंग करना भी नहीं आ रहा है तो कितना चश्मा पहने कमाल है कैसा चश्मा ला रही है क्या बात है पहनेंगे तब तो गाइस ये रहा पापा का लास्ट गिफ्ट ये सब गिफ्ट खत्म हो गया और टी-शर्ट ठीक है अभी और भी है यस अभी तो और भी है क्या बात है गाइस क्या बात है पिक्चर तो अभी मस्त गिफ्ट है मस्त गिफ्ट ओके बाकी के गिफ्ट गाइस ये कपड़े हैं दो टी शर्ट है और टैप का और एक जींस है ये कल के उसमें दिखाई दिया है अभी चलते कहीं हम घूमने 90,000 का फोन ऑलरेडी गिफ्ट है हेलो वो मेरे पैसे का झूठ मत बोला करो मम्मी के पैसे का नहीं नहीं आप शर्मा रहे हैं चलो मैं अभी गिफ्ट में घूमने चलेंगे हां गाइस अभी गिफ्ट में बहुत अच्छी ट्रिप पे भी आ रहे हैं हम क्लाइमैक्स अभी बाकी है क्या पापा इसमें क्या हो सकता है घड़ी और इतने बड़े बॉक्स में घड़ी ऐसे करके नहीं पापा घड़ी नहीं है अपनी अगर अपने पास इतना पैसा तो घड़ी ले आते अब बहुत नीचे से बोलता हूँ अरे बढ़िया तो घड़ी है अरे वाह जो आपने उस दिन देखी थी वो क्या थी पापा जो आपने पसंद करी थी ना ये सेम वही है पर इसका जो फ्रेम है ना वो ब्लैक कलर का था हमने ये अच्छा वाला लिया गाइस देख रहे हो पापा को फाइनली वॉच मिल चुकी है देखिए मम्मी ने पापा को गिफ्ट करा है गाइस क्या बात है इसमें किसका गिफ्ट है भाई किसी का नहीं सारा मेरा है किसका नहीं है सारा तुम लोग नहीं दिए कुछ आप देने वाले थे हम तो आपको दो दो वॉच गिफ्ट कर देते सारा पैसा ही ले लिया बहुत पैसा रख रहा हमारे पास तो नहीं मम्मी ने खाना करने को मना कर दिया
तो गाइस ये पापा का टी-शर्ट। और कुछ है? मजा आ गया पापा। मजा आ गया ना पापा? गाइस पापा को मिल गई 13,000 की वॉच। पापा हमने अपने लिए क्या क्या खोया, हम आ गए। देखो पापा को अपने सारे के सारे गिफ्ट मिल चुके हैं और गाइस बहुत ज्यादा तगड़ा मजा आ चुका है। पापा को भाई देखो फिलहाल सारे के सारे गिफ्ट दे दिए। और पापा गाइस देखो फिलहाल जा रहे हैं ऑफिस को। पापा बाय बाय। यहाँ पे देखते ना कैमरा में भाई, आज मतलब आज तो अलग घमंड हो गया। अलग की साफ सफाई चल रही है। बाय बाय। पत्थर रख के हमने मेकअप कर लिया, खर्चा कर लिया। तो मैं आपको बता दो, पूजा भी नहीं हुई। पूजा करे बिना ही भाई साहब पापा को सरप्राइज देने में लग गए। और यहाँ पे देखो पूजा नहीं हुई, फिलहाल फटाक से मैं पूजा कर लेता हूँ। बालाजी तो चले गए ऑफिस, इतना सारा गिफ्ट देखो सब पड़ा हुआ है। तो मैंने इतना सारा सामान पाड़े जी के लिए मैं ले आई थी, बहुत सारा सब। तो पाड़े जी बिल्कुल एकदम हैप्पी हो गए। पाड़े जी घड़ी बहुत ज्यादा, एक चश्मा तो मेरी आंखों में भी है। पाड़े जी को घड़ी की बहुत ज्यादा शौक है, इसीलिए मैंने सोचा चलो एक घड़ी में गिफ्ट कर देती हूँ। मैं सोच काफी पहले से रही थी, लेकिन अपना टाइम आएगा वाली बात थी। तो फिलहाल यही है। बाकी तो गाइस आपने कमेंट में भर भर के लिख दिया हैप्पी एनिवर्सरी पापा, बहुत ऑफ यू। अब बाकी अब घूमने चल रहा है, उसका प्लान करेंगे। और पता है ऑफिस और पापा के जाने के बाद यहाँ पे अपना चल रहा है लंच गाइस, जिसमें गोभी की सब्जी और रोटी। और मम्मी यहाँ पे मस्त खिला रही है, बेबो अपने दही चावल खा रही है। पानी इसने गिरा दिया था, पैर मार दिया था ना, तो मस्त खाने खा लेते हैं। ठीक है देखो फिलहाल बच चुके हैं रात के भाई साहब 7:30 हो चुके हैं। फिलहाल अभी आरती नहीं हुई है और मम्मी जो है मम्मी बाहर गई हैं टहलने के लिए। और गाइस देखो फिलहाल अभी पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके हैं। पापा मम्मी के लिए वो ले आएंगे, मम्मी के लिए बुके भी लाए हैं जो कि मम्मी को नहीं पता है गाइस, उन्होंने छुपा दिया है। फिर मम्मी आएंगे तो पापा फोटोशूट करेंगे, मम्मी को बुके देंगे, तो बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो फिलहाल जाके मैं फटाक से आरती कर लेता हूँ गाइस। फिलहाल बच चुके हैं भाई साहब रात के 9 और गाइस देखो वहाँ पे चल रही है एनिवर्सरी मम्मी पापा की, उसकी तैयारी चल रही है। मैं अभी फिलहाल पिज्जा खा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ गाइस अभी रेडी नहीं हुए। और यहाँ पे देखो भाई साहब यहाँ पे पिज्जा आ चुके हैं, यहाँ पे डोमिनोज का मैंने थोड़ा सा गाइस भी हम जा रहे पार्टी करने के लिए बाहर, तो थोड़ा सा बेबे को मन था डोमिनोज खाने का, तो थोड़ा सा मंगा दिया गाइस एक पिज्जा और 2 जिंकी पास्ता जिसमें से एक मेरा है गाइस। फिलहाल खा लेता हूँ मस्त, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी। तो फिलहाल बच चुके रात के 9 और भाई साहब यहाँ देखो पापा वगैरह सब रेडी हो चुके हैं भाई मस्त अपना एनिवर्सरी के लिए। और भाई देखो बेबो के अलावा हम सब रेडी हो चुके हैं भाई साहब। और मम्मी को देखो भाई मम्मी यहाँ पे मस्त, मम्मी कहाँ हो यार, क्या बात है मम्मी। गाइस देखो मम्मी मस्त रेडी हो चुके हैं। तो गाइस सुबह खाना खाने के बाद आप लोग सोच रहे हो कि खाना खाने के बाद ये लोग डायरेक्ट शाम पहुंच गए ब्लॉग बनाने लगे। तो भाई सुबह खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही मेरे को। तो फिलहाल इसीलिए मैं लेट गई थी, मैं एकदम सन्न पड़ गई थी, मेरी बीपी जैसे लोसी हो गई थी, कुछ तो दिक्कत हो गई थी। तो इसीलिए हमने दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया भाई, लाइट भी बहुत नौटंकी की, गर्मी के मारे हालात थे बिल्कुल ख़राब, तो क्या ही ब्लॉग बनेगा। फिलहाल अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो कल चलते हैं बाहर डिनर करने। क्यों नहीं रेडी हुई बेटुआ, टल लटल लटल, चल तुम ऐसे ही इतने सुंदर हो। तो फटाफट निकल रहे हैं, भैया आएगा ताला बंद करके। तेरी मेरी सवारी गई जिसमें सवार हो चुका हूँ, फटाक चलते हैं गाइस हल्दीराम को खाना खाने के लिए। हल्दीराम ही जाएंगे मम्मी, आज एनिवर्सरी है। हल्दीराम पहुँच चुके हैं, हल्दीराम आज मम्मी के डिनर के, आज मम्मी और पापा के एनिवर्सरी के लिए यहाँ पे आए डिनर करने के लिए। अपने शेर बैठते हैं फटाक से, बेबो बैठी थी हमारे बगल में यहाँ पे, पाड़े जी आए तो भैया कह रहा भैया पापा की एनिवर्सरी है, बेबो आप तो यहाँ बैठते। तो भाई आ चुका हमारा आज का हल्दीराम का मस्त, ये देखो मसाला और डोसा। पहली बाइट लेते हैं मम्मी और इस चटनी के साथ, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, कैसा मम्मी आ चुका है पाव भाजी बटर मार के, इस पर भी और इस पर भी, और थोड़ी सी प्याज जो कि बेबो तो नहीं खाने वाली। कैसे लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, चटकारा। अच्छा डोमिनोज का पिज्जा और जिंकी पार्सल खा के आई है। गाइस बेबो अभी इतनी देर से खा ही रही है, अब ये खा रही है अच्छा पराठा दाल मखनी और पाव वाली भाजी। और भाई इन लोगों का देखो स्पेशल मतलब, हेलो मेरे को खिलाए मसाला मसाला डोसा। आपको ऑयली नहीं खाना था, आग निकल रही है भाई, आग देर से आए, देर आए दुरुस्त आए, स्पेशल है भैया का। तो भाई खाना पीना खा के और
नहीं, वो अपने पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चलते हैं नीचे। वो और पड़े जी तो फटाफट नीचे जा चुके हैं, अब मैं और भैया बचे थे, हम लोग हाथ धोने चले गए थे। देखते हैं क्या कर रहे हैं। ले भी लिया मैडम ऐसा अलग, यहाँ पे केक ले रहे हैं, केक की जरूरत नहीं थी यार, ले ले लिया भाई। ये लोग केक भी ले लिए हैं। अरे यहाँ धुलाई शुरू हो गई भाई, बंद हो गया अभी जरा मेरे को, हम लोग मास्ट आए भैया बाहर तक, जो तो गर्मी लगी घर वापस गैस काफी के टर्न हो गए, वापस घर को आ गए। मस्त गाइस, आज के एनिवर्सरी आज की गाइस मतलब सालगिरह, मम्मी पापा की शादी की सालगिरह का मतलब मस्त आ चुका है यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी। क्या बात है गाइस, क्या बात है गाइस, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम नहीं नहीं धीरे धीरे गाओ, ये दिन आए हजारों बार, साल हाँ साल, हैप्पी एनिवर्सरी ये तो खा लिया, बट मम्मी का जो पेट में दिक्कत है, मम्मी थोड़ा सा ही खा। क्या बात है, आप मम्मी का केक कट, मम्मी और मम्मी पापा का एनिवर्सरी का केक कट चुका है, ज्यादा नहीं तो मतलब पापा खिला भी नहीं रहे हल्दीराम का गाइस, केक अच्छा है बहुत। देखो फिलहाल बच चुके हैं रात के 12:10 यहाँ पे भाई साहब, मम्मी बेबो और पापा तीनों के तीनों लेटे हुए हैं गाइस, मतलब पापा और मम्मी यहाँ पे, मम्मी का थोड़ा इलाज चल रहा है क्योंकि सुबह हम शायद से कहीं निकलने वाले लॉन्ग ट्रिप के लिए और मम्मी अभी उसके लिए वेल नहीं है, शी इज नॉट वेल फॉर दैट ट्रिप, तो पापा थोड़ा सा इलाज कर रहे हैं, गैस वैस निकल रही है। और अभी बेबो यहाँ पे लेटी है, अपना ड्रॉइंग कर रही है स्लेट पे, पागल है तू। और भाई देखो फिलहाल इस लोगों को खत्म करने का टाइम आ चुका है गाइस, आई होप कि ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। वैसे गाइस किसी को अच्छी लगी हो ना लगी हो, पापा को तो पक्का अच्छी लगी होगी। फिलहाल कल के व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।